420 में उनका पूरा पूरा भाग जाएगा, जो जाएगा क्योंकि इसकी इकाई क्या होते हैं जीरो। जब भी हमें देखना हो संख्या में कि दो का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, संख्या की इकाई का अंक। और देखो एग्जांपल, तीन लाख 50,000 इसमें देखो इकाई का क्या है, दो है। इस संख्या में हम इकाई का अंक देखकर बड़ी से बड़ी संख्या को बता सकते हैं कि इसमें दो का पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 350,792 इसमें दो का पूरा भाग, पूरा पूरा भाग जाएगा क्योंकि इसकी इकाई के अंक में क्या है, दो। 510,729 लिखा हुआ है, इसमें देखो इकाई का अंक क्या है, नौ। तो हम इकाई का अंक देख के बता सकते हैं कि 510,729 में दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा इसका कारण बताओ, तो कारण क्या है, क्योंकि इसकी इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं, इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है, इसलिए इसमें दो का पूरा भाग नहीं जाएगा। हमें ये कारण भी बताना है कि जाएगा तो क्यों जाएगा, और नहीं जाता है भाग उनका पूरा भाग नहीं जाता है क्यों नहीं जाता है, उसका भी कारण बताना है। इसमें देखो 350,792 इसमें वो का पूरा पूरा भाग जाएगा, क्यों जाएगा, इसका कारण क्या है, क्योंकि इसकी इकाई के अंक में क्या है, दो, इसलिए इसमें दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। आया समझ में? इसी तरह देखो इसके बाद आता है पांच विभाजकता का नियम। तो इससे पहले आप सब बच्चे अपना वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी के अंदर मैथ की कॉपी में पहले ये दो विभाजकता का नियम आज की डेट डाल के आपको लिखना है। अब देखो हम समझेंगे इसके बाद पांच विभाजकता का नियम कि कोई भी संख्या दी हुई चाहे कितनी बड़ी संख्या हो उसमें पांच का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, यहाँ कैसे बता सकते हैं। तो देखो इसके लिए कि जिस संख्या की इकाई का अंक 0 या 5 हो, क्या होना चाहिए, इकाई का अंक या तो 0 या 5 हो, तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। संख्या देखो 320, इसमें देखो इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो इस 320 में 5 का पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 147, इसमें देखो इकाई का अंक क्या है, 7, इकाई का 7 है, तो 147 में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसका कारण बताओ क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसी इकाई के अंक पे 0 या 5 नहीं, इसलिए इसमें 147 में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो 2 की और 5 की भाजकता का नियम सेम है, 2 की भाजकता में इकाई के अंक में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई अंक है तो वो 2 से विभाज्य है। 5 की भाजकता के नियम में अगर इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाज्य है। 4,235, इसमें देखो इकाई का क्या है, 5, इकाई के बाद दहाई का 3 से लेकर 2 और ये हजार पे 4 है, 4,235 इकाई का 5 है, तो इस संख्या में 4,235 में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि इसकी इकाई के अंक पे 5। 1,35,820, इसमें देखो इकाई का अंक 0 है, इकाई के अंक पे 0 है ना, तो 1,35,820 में भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्योंकि इसकी इकाई का अंक 0। 9,00,000,
भाग नहीं जाएगा। नहीं जाने का कारण बताओ क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसकी इकाई के अंक पे 0 या 5 नहीं है, इसलिए इसमें 2 का सॉरी 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो आया समझ में सबको कि 2 की भाजकता का नियम और 5 की भाजकता का नियम, हम इकाई का अंक देखकर बता सकते हैं कि उस संख्या में 2 का पूरा पूरा या 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। पांचवे का आपको याद रखना है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाज्य है। 2 की भाजकता के नियम है कि 2 की 2 का किसी भी संख्या में पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, उसके लिए हमें इकाई का अंक क्या देखना है, इकाई पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8। ये आज हमने पढ़ा 2 की भाजकता का नियम और 5 की भाजकता का नियम। सब बच्चे अपना ये वीडियो पॉज करके पहले ये अपनी कॉपी में 2 की और 5 की भाजकता के नियम, इनकी ये जो नियम है वो लिखना है और आपको ये याद रखना है।